24/7 स्कूल। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 15 बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो बायोडायवर्सिटी जैसे कि आप लोग जानते हैं क्या होती है, हमारे आसपास में जितने भी डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स एनिमल्स जितनी भी चीजें हैं वो सारी कंप्राइज करती है हमारी बायोडायवर्सिटी को। और आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से जो बायोडायवर्सिटी हमारी डिस्टर्ब हो रही है उसको कंजर्व करने के लिए कुछ कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। तो आज चलते हैं हम यही सब जानने की क्या होती है बायोडायवर्सिटी और उसकी कंजर्वेशन कैसे होती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम टू बेसिक सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, एक तो बायोडायवर्सिटी के बारे में और दूसरा बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में। और लास्टली हम इस चैप्टर को फिनिश ऑफ करेंगे विद कंप्लीटिंग द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So if an alien from a distant galaxy were to visit our planet Earth, the first thing he would do would amaze and baffle him would most probably be the enormous diversity. हम देखते हैं कि हमारे वर्ल्ड में कितने ज़्यादा एनिमल्स और प्लांट्स डाइवर्स है। जब हम एनिमल्स और प्लांट्स की बात करते हैं तो इनकी कितनी स्पीशीज नोन है, गॉड नोज कितनी ज़्यादा स्पीशीज नोन और कितनी ही आइडेंटिफाई हुई है। बहुत कम आइडेंटिफाई हुई है और बहुत सारी स्पीशीज जो है स्टिल दे आर undiscovered or unidentified. So plants and animals जो है diverse group में मौजूद होते हैं। डाइवर्स ग्रुप का मतलब बहुत सारे मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में हमें इनके जो है टाइप्स नजर आते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ बायोडायवर्सिटी और वी कैन सिंपली से देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। The rich variety of living organisms which they share this planet, they never ceases to astonish and it still fascinates us. ये जो हम लोग शेयर करते हैं, ये शेयर करते हैं वैरायटी इज ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, ये कभी भी जो है एस्टोनिश नहीं होती, इट नेवर सीजेस टू एस्टोनिश और कंटिन्यूसली जो है हमें फैसिनेट करती रहती है, हमारा इंटरेस्ट बनाए रखती है कि आज ये स्पीशीज़ जो है हमने डिस्कवर करी है, कल को कोई और स्पीशीज़ आएगी और इतनी अमेजिंग स्पीशीज़ होती है, इतने अमेजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि हमारी आँखें खुली की खुली रह जाती है कि क्या ये हमारी अर्थ पे ही मौजूद है, क्या ये हमें अर्थ पे दिख रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है कि हम इन लोगों को देख पा रहे हैं, इन चीजों को देख पा रहे हैं। इतनी ब्यूटीफुल चीजें होती है, जैसे कि आप कुछ कुछ प्लांट्स के एग्जांपल ले लो, अगर हम फ्लावर्स में जाते हैं तो ऑर्किड फ्लावर्स को देख के हमारी आंखें खुली रह जाती है कि नेचुरली वो इतना ब्यूटीफुल है कि वो ऐसा लगता है कि जैसे मैन मेड बना हुआ है ना, ऐसा लगता है ना कि जैसे मैन मेड बना हुआ है, बट असलियत में वो नेचुरली ही इतना ब्यूटीफुल है कि हमारी आंखें थकती ही नहीं है उसको देखते हुए। So the common man would find it hard to believe that there are more than 20,000 species of ants, 3 lakh species of beetles, 28,000 species of fishes and near 20,000 species of orchids. जिन orchids की मैं बात कर रही हूँ उनमें भी 20,000 species है, फिशेस के अंदर भी 28,000 स्पीशीज है, और जब हम बात करते हैं बीटल्स की, इंसेक्ट्स की, हमारे आर्थ्रोपोड्स की, इनके अंदर सबसे ज्यादा स्पीशीज और सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो जब कोई पूछे कि कौन से फाइलम के अंदर सबसे ज्यादा स्पीशीज है, सबसे ज्यादा डाइवर्स है, तो वो है हमारा आर्थ्रोपोड, मोस्ट डाइवर्स, और मोस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज जो है हमारी इसमें ही मिलती है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जब एक एंट की स्पीशीज जो है वो ही 20,000 है, 3 लाख स्पीशीज हमारी बीटल्स के, तो टोटल आर्थ्रोपॉड को जब हम लोग देखें, हमारे इंसेक्ट्स को, हमारे बटरफ्लाइज, ये सब चीज़ों को हम लोग मिला के देखें तो कितनी ही सारी स्पीशीज होंगी। और कितना ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है ये सब देखना कि इतनी सारी स्पीशीज के बीच में हम लोग रहते हैं, है ना। तो ह्यूमंस की तो बहुत कम तादाद है जितने की आसपास वाली डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी की है। Biodiversity, it can be defined as the occurrence of different types of genes, gene pools, species, habitats and ecosystem in a given region. जब हम लोग biodiversity की बात करते हैं तो वो क्या होता है, it is the occurrence of different types of genes, बहुत सारे जो different types of genes हैं उनका occurrence, gene pools, species, habitats, ecosystem, ये सारा का सारा क्या constitute करता है, biodiversity. Biodiversity को जब हम दो में तोड़े तो living
वैरायटी, है ना, यही इसका मतलब होगा। बायो में हमने जो सिंपल रूल अपना रखा है, यही रूल अपना रखा है कि एक वर्ड को दो में तोड़ के दोनों का मतलब निकाल लो और हमें उस वर्ड का अल्टीमेटली मतलब पता चल जाएगा। तो लिविंग थिंग्स या फिर लिविंग बींग्स की वैरायटी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी, जो कि हमें किस किस फॉर्म में देखने को मिलती है, हमें जीन्स के फॉर्म में, जीन पूल्स के फॉर्म में, स्पीशीज के फॉर्म में, हैबिटेट्स के फॉर्म में, ये सब जो है हमें डायवर्सिटी के अंदर देखने को मिलती है। So the term biodiversity, it was given by a sociobiologist Edward Wilson. किसने दिया था biodiversity word? Edward Wilson. बहुत ही important MCQ ये आ सकता है कि biodiversity किसने coin किया था? Biodiversity जो word है वो किसने coin किया था? Edward Wilson. ठीक है, सो ही डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी हायरार्कियल लेवल्स हैं उन सबको कॉन्स्टिट्यूट करके उन्होंने क्या बताया था कि बायोडाइवर्सिटी नाम की कोई चीज होती है। हायरार्की से चल लो या वैसे ही डाइवर्सिटी देख लो, पर बायोडाइवर्सिटी तो बायोडाइवर्सिटी ही रहेगी। सो देयर आर मोर देन 20,000 स्पीशीज ऑफ एंट्स, 300,000 स्पीशीज ऑफ बीटल्स, 28,000 स्पीशीज ऑफ फिशेज एंड 20,000 स्पीशीज ऑफ ऑर्किड्स, जो कि हमने देख लिया है। सो बायोडाइवर्सिटी इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग थ्री लेवल्स। अब बायोडाइवर्सिटी के तीन लेवल होते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन हमारी होती है क्या, जेनेटिक डाइवर्सिटी। सो जेनेटिक डाइवर्सिटी, जैसे कि इसका नाम बता रहा है, द डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल, द वैरायटी एट द जेनेटिक लेवल, द वैरायटी ऑफ जीन्स, वैरायटी ऑफ जीन्स, जीन पूल्स एंड जो भी जेनेटिक लेवल पे हमारी जो वैरायटी होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। सो इट एनेबल्स अ पॉपुलेशन टू अडैप्ट टू इट्स एनवायरनमेंट, हम अपने जीन्स की वजह से ही एनवायरनमेंट से अडैप्टेड रहते हैं। तो यही जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या मदद करती है, हेल्प टू अडैप्ट टू द एनवायरनमेंट। इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स। इंडिया की अगर हम बात करें तो कितने स्ट्रेन्स है, मोर देन 50,000 जीन्स के रिस्पेक्ट में जो वैरी करते हैं, जो जीन्स के रिस्पेक्ट में वैरी करते हैं, वो है मोर देन 50,000 स्ट्रेन्स ऑफ राइस। ये सिर्फ राइस की बात है। और मैंगो की कितनी वैरायटीज है, 1,000 वैरायटीज है। कभी आप लोग अगर दिल्ली में रहोगे तो एक मैंगो फेस्टिवल लगता है दिल्ली NCR में, आई डोंट नो अब लगता है या फिर नहीं, हम लोग अपने बचपन में जाते थे, मैंगो फेस्टिवल लगता था, उसमें इतने टाइप्स ऑफ मैंगो होते थे कि जितने हमने कभी नहीं देखे हैं, मैंगोज ही मैंगोज। तो वही यहाँ पे बताया है कि 1000 वैरायटीज जो मैंगोज की आती है ना, वो उधर मौजूद होती थी और सारे के सारे फिनिश ऑफ नहीं कर पाते थे उस मैंगो फेस्टिवल में, सारे के सारे जो थे वो फिनिश ऑफ कर ही नहीं पाते थे, क्योंकि इतनी सारी वैरायटी, अगर हम एक एक स्लाइस भी लेना शुरू करें तो हमारा पेट तो फुल हो जाएगा, है ना। सो एग्जाम्पल द जेनेटिक वेरिएशन इन द मेडिसिनल प्लांट रोवोल्फिया वॉमिटोरिया, इट ग्रोज इन डिफरेंट हिमालयन रीजन्स, इट माइट बी फाउंड इन द टर्म्स ऑफ पोटेंसी एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द एक्टिव केमिकल दैट द प्लांट प्रोड्यूसेस। जो रोवोल्फिया है, रोवोल्फिया वॉमिटेरिया, वो क्या होता है, हिमालय के डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस में मौजूद होता है। तो क्या होता है, वो किस बेसिस पे उनके स्पीशीज को डिफरेंशिएट किया हुआ है, उनके जीन्स को डिफरेंशिएट किया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्टिव केमिकल, कि एक्टिव केमिकल जो वो सिक्रीट करती है, क्या है उस केमिकल का नाम, क्या है उस केमिकल का नाम, रेसरपाइन। ये केमिकल जो वो सिक्रीट करता है उसके बेसिस पे जो है उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज है, रोवोल्फिया वॉमिटेरिया। ओके, नेक्स्ट हमारी लेवल आता है स्पीशीज डाइवर्सिटी का। सो इट इज़ द डाइवर्सिटी एज द स्पीशीज लेवल। जैसे कि वेस्टर्न घाट्स के अंदर ज़्यादा एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है देन दी ईस्टर्न घाट्स। ये इसका क्लासिकल एग्जांपल है कि वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियंस की स्पीशीज ज़्यादा होती है राधा देन दी ईस्टर्न घाट। देन लास्ट आती है हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इट इज़ द डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल। जैसे कि इंडिया के अंदर क्या क्या है, डेजर्ट्स है, रेन फॉरेस्ट है, कोरल रीव्स है, वेटलैंड्स है, एल्पाइन मेडूज है, वो सारे के सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम को होस्ट करते हैं। जैसे कि हमारे इकोसिस्टम कौन कौन से होते हैं, लैंड, एक्वेटिक, है ना, ग्रासलैंड, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, इकोसिस्टम्स होते हैं। तो इनमें जो एनिमल्स जो रिसाइड करते हैं, जो प्लांट्स रिसाइड करते हैं, वो डाइवर्स होते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के होते हैं, उनकी वैरायटी होती है, तो ये हमारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में आ जाती है। तो तीन कौन सी डाइवर्सिटी हमने पढ़ी, सबसे पहले जेनेटिक, दूसरी स्पीशीज और थर्ड हमारी इकोलॉजिकल।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी. इट इज द टोटल स्पीशीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ. द टोटल होलसम नंबर ऑफ स्पीशीज विच आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, उनको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी. सो अकॉर्डिंग टू IUCN इन 2004, द टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज इज स्लाइटली मोर देन 1.5 million. क्या हमने, अगर हमने बायो भी ली, हमने कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा भी पढ़ा, तो क्या हमने 1.5 million स्पीशीज पढ़ी? नहीं पढ़ी. तो इससे क्या पता चलता है कि इतनी सारी स्पीशीज है कि उनके बारे में पढ़ पाना भी मुश्किल है. तो IUCN ने 2004 में बताया था कि जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज है वो मोर देन 1.5 मिलियन है. और 1 मिलियन के अंदर कितने लैक्स होते हैं? 1 मिलियन के अंदर होते हैं 10 लैक्स. तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लो कितने हुए, अप्रोक्सीमेटली 15 लाख स्पीशीज हो गई. So for many taxonomic groups, the species inventories are more complete in temperate than in tropical countries. जो species है वो mostly जो है temperate countries के अंदर पूरी जो है booked हो गई है, मतलब पूरी जो है identify हो गई है, पर tropical countries के अंदर अभी भी species का identification चल रहा है. Then a more conservative and scientifically sound estimate by Robert Mayt places the global species diversity at about 7 million. रॉबर्ट डेबे ने एक एस्टिमेट दिया था कि जो टोटल स्पीशीज है अर्थ पे उनको अगर हम गिने तो वो 7 मिलियन के अराउंड है, मतलब 70 लाख्स के अराउंड है, 70 लाख्स के अराउंड है. तो ये तो 1.5 मिलियन से भी ज्यादा हो गई है ना, 1.5 मिलियन से भी ज्यादा हो गई. मोर देन 70% ऑफ द स्पीशीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स, वाइल प्लांट्स दे कंप्राइज नो मोर देन 22% ऑफ द टोटल. तो इसमें क्या पता चलता है कि 70% तो हमारे क्या है, एनिमल्स है. 70% क्या है हमारे, एनिमल्स है, पर प्लांट्स जो है ज्यादा से ज्यादा 22% है. ये इनका मैक्सिमम है, ये इनका मैक्सिमम है कि वो 22% जो है वो मौजूद है. नेक्स्ट, अमंग एनिमल्स इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीशीज रिच टेक्सोनॉमिक ग्रुप. मैंने जैसे कि बताया था जो आर्थ्रोपोड्स है उनके अंदर मोस्ट स्पीशीज है, मोस्ट ऑफ द स्पीशीज, ठीक है. सो इसके अंदर क्या है, 70% ऑफ द एनिमल पॉपुलेशन यही आर्थ्रोपोड्स ही कंस्टिट्यूट करते हैं. आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स जो 7 होंगे वो होंगे इंसेक्ट्स. तो आप सोच सकते हो कि जितने ह्यूमन सेल्फिश होते हैं, अगर ये इंसेक्ट्स आए अपने आप को दिखाने पे, तो हम ह्यूमंस की भी स्पीशीज कुछ नहीं है, हमारा जो नंबर है वो बहुत छोटा है अगर हम लोग इंसेक्ट्स के मुकाबले कंपेयर करें. अगर हम लोग इंसेक्ट्स के मुकाबले कंपेयर करें तो हमारा नंबर इतना छोटा है कि अगर 10 एनिमल्स है तो उसमें से 7 तो हमारे इंसेक्ट्स है. तो आप खुद देखो कि हम लोग कितने स्मॉल अमाउंट में मौजूद है, पर सबसे ज्यादा सेल्फिश आज के टाइम में ह्यूमंस होते हैं. तो किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए. अगर इंसेक्ट्स जो है छोटे होते हैं, पर वो होते भी तो बहुत ज्यादा है, उनकी स्पीशीज कितनी ज्यादा है, उनका नंबर कितना ज्यादा है ना. Then although India has only 2.4% of the world's land area, its share of the global species diversity is 8.1%. सिर्फ 2.4% area जो है India acquire करता है of the world, पर world के अंदर कितनी percent species contribute करता है species diversity? 8.1%, जो कि India को 12 mega diversity countries of the world के अंदर लाता है. मतलब India के अंदर इतनी ज़्यादा diversity है कि 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में आने का मौका मिलता है, और वो वर्ल्ड की जितनी भी टोटल स्पीशीज है उसमें से 8.1% जो है कंट्रीब्यूटर है. ऑल्दो उसका लैंड शेयर कितना है, सिर्फ 2.4%. सो अबाउट 45,000 स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स एंड एज ट्वाइस एज मेनी ऑफ एनिमल्स दे हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया, जो कि पहले इन्वेंट हो चुकी है. 45,000 स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स और ट्वाइस मतलब अराउंड 90,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स अभी तक रिकॉर्ड होके इंडिया की तरफ से जा चुकी है. तो आप देख सकते हो इनवर्टिब्रेट्स के अगर हम ग्रुप में देखें तो इंसेक्ट्स सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में अदर एनिमल ग्रुप्स आते हैं, फिर मॉलस्क आते हैं, और लास्ट में क्रस्टेशियंस आते हैं. क्रस्टेशियंस सबसे छोटी मात्रा में होते हैं. जब हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो फिशेज सबसे ज़्यादा है. फिशेज के बाद हमारे आते हैं बर्ड्स. फर्स्ट फिशेज है, सेकेंड बर्ड्स है, थर्ड रेप्टाइल्स है,
फोर्थ एम्फीबियंस है, फोर्थ ही मैमल है. एम्फीबियन और मैमल टोटल तादाद में होते हैं, तो मैमल सबसे कम है. अब इनमें से देखो वर्टिब्रेट्स में भी मैमल सबसे कम है, फिशेस बहुत ज़्यादा है ना, फिशेस बहुत ज़्यादा है. और जब हम प्लांट्स की बात करें तो फंजाई और एंजियोस्पर्म्स ने फर्स्ट फर्स्ट नंबर ले लिया है, दोनों इक्वल अमाउंट में मौजूद होते हैं. ठीक है, उसके बाद में हमारा सेकेंड नंबर आता है एल्गी का, थर्ड आता है मॉसेस, फर्न्स एंड एलील्स का, और लास्ट में हमारी जो है लाइकन्स मौजूद होती है. तो ये जो है ये सीक्वेंस चलता है. ऐसे ही जो है हमारी तादाद, हमारी स्पीशीज डाइवर्सिटी, हमारी एनिमल प्लांट डाइवर्सिटी है इसी ग्राफ के अकॉर्डिंग. तो ये ग्राफ आ सकता है आपके एग्जाम में कि ग्राफ को लेबल करो, ये सारी लेबलिंग्स हटा देंगे और आपको लेबल करने के लिए आ जाएगा, सिर्फ ये हेडिंग होगी कि ये इनवर्टिब्रेट का है, वर्टिब्रेट का है, फिर प्लांट्स का है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाई चार्ट, ये पाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बाय हार्ट करना. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मेज ग्लोबल एस्टिमेट ओनली 22% ऑफ द स्पीशीज दे हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार. क्योंकि मे ने क्या बोला था कि 7 मिलियन स्पीशीज है. कितनी स्पीशीज है? 7 मिलियन, और उसमें से सिर्फ अभी तक 22% ही रिकॉर्ड हुई है. सो इफ दिस प्रपोर्शन इज अप्लाइड टू इंडियाज डाइवर्सिटी फिगर्स, देयर मे बी प्रोबेबली मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीशीज एंड मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीशीज विच आर येट टू बी डिस्कवर्ड. अगर हम मे का ही एस्टिमेशन लगाते हैं तो हमें पता चलेगा कि मोर देन 1 लाख प्लांट स्पीशीज दे हैव टू बी डिस्कवर्ड, और एनिमल्स के अंदर मोर देन 3 लाख स्पीशीज दे आर टू बी डिस्कवर्ड. पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होते हैं, पैटर्न्स क्या क्या फॉलो करते हैं? सबसे पहला लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स, इट डिमॉन्स्ट्रेट्स द डिक्रीज इन स्पीशीज डाइवर्सिटी एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स. अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं, लैटिट्यूडनली मूव करते हैं, तो स्पीशीज का नंबर कम हो जाता है, क्योंकि पोल्स में बिल्कुल ही अनफेवरेबल कंडीशन होता है. एक बारी को प्लांट जो है गर्मी में सर्वाइव कर लेगा, बट सर्दी में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है. तो इक्वेटर से अगर हम पोल्स की तरफ मूव करें तो स्पीशीज डाइवर्सिटी कम हो रही होती है इधर डायरेक्शन में. सो द ट्रॉपिक्स हार्बर मोर स्पीशीज देन द टेम्परेट और द पोलर रीजन्स. अगर इक्वेटर पे ज्यादा है तो ट्रॉपिक्स जो है ज्यादा हार्बर कर रहे हैं स्पीशीज को, और जो टेम्परेट या फिर पोलर रीजन्स है वो कम कर रहे हैं. कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर, इट हैज़ अराउंड 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स. पर जो न्यूयॉर्क है उसके पास 105 स्पीशीज है, और ग्रीनलैंड के पास वो सिर्फ ही 56 स्पीशीज है. तो इनका लैटिट्यूडनल इधर दिया हुआ है, कोलंबिया सिर्फ इक्वेटर के पास है. ठीक है, इक्वेटर से जब हम लोग नीचे आए तो सॉरी इक्वेटर से जब हम लोग ऊपर गए तो 45 डिग्री नॉर्थ में जो है हमारा न्यूयॉर्क सिचुएटेड है, जिसमें सिर्फ 105 स्पीशीज रह जाती है बर्ड्स की. और अगर हम और ऊपर चले गए ग्रीनलैंड की तरफ 71 डिग्री नॉर्थ में, तो कितनी स्पीशीज रह जाती है? ओनली 56 स्पीशीज. ठीक है, सो स्टडीज दे इंडिकेट दैट द ट्रॉपिकल एरियाज दे हैव मोर बायोडाइवर्सिटी. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैज मोर देन 1200 स्पीशीज ऑफ द बर्ड्स. इंडिया भी हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा लैंड जो है ट्रॉपिकल में मौजूद होता है, ट्रॉपिक्स के अंदर मौजूद होता है. तो हमारे पास कितनी डाइवर्सिटी है? मोर देन 12,000 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स है. अ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द इक्वेटर, इट हैज़ अप टू 10 times एज मेनी स्पीशीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स एज अ फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन द टेम्परेट रीजन लाइक द मिड वेस्ट ऑफ USA. अगर हम लोग एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कंपेयर कर रहे हैं विद द टेम्परेट फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो कि इक्वेटर के पास है उसके पास 10 गुना ज़्यादा जो है वैस्कुलर प्लांट की स्पीशीज होगी देन द टेम्परेट forest which is located away from the equator. Tropical Amazonian rainforest in South America, it has the greatest biodiversity on the earth. It homes 40,000 species of plants, 3,000 of fishes, 1,300 of birds, 427 of mammals, 427 of amphibians, 378 of reptiles and more than 125,000 invertebrates. So, kis mein sabse zyada diversity hai all over the world? Tropical Amazonian rainforest. Kahan pe situated hai? South America. So, tropical Amazonian रेन फॉरेस्ट, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है स्पीशीज डाइवर्सिटी, और कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ अमेरिका. ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQ आ सकता है कि किसके अंदर सबसे ज़्यादा स्पीशीज आज तक देखी गई है. सो साइंटिस्ट दे एस्टिमेट दैट इन दीज रेन फॉरेस्ट देयर माइट बी एटलीस्ट 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीशीज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड. सो इतनी स्पीशीज होने के बाद भी साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया है कि अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स जो है अभी तक इन फॉरेस्ट के अंदर, इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर जो है
अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुई है। मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी वैरायटी है स्पीशीज की। तो हाईएस्ट वैरायटी, हाईएस्ट स्पीशी नंबर किस में है? इसी फॉरेस्ट में है, ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट। कहाँ पे है? साउथ अमेरिका। सो रीजन फॉर द ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी इन द ट्रॉपिक्स, क्यों जो बायोडाइवर्सिटी है वो ट्रॉपिक्स में ज्यादा होती है? स्पीसिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम, द टेम्परेट रीजन्स वर सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेसिएशन इन द पास्ट बट द ट्रॉपिक्स हैव रिमेन्ड अनडिस्टर्ब्ड एंड हेंस हैव इवॉल्वड मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशिएशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्पीशीज जो है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। तो टेम्परेट रीजन्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो था ग्लेसिएशन हुई थी, बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुई थी, पर जो ट्रॉपिकल एरियाज़ है वो बहुत सालों से अनडिस्टर्ब्ड है, तो इसीलिए उसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इवॉल्व हो गई है। बहुत सारी स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इसी वजह से इवॉल्व हुई है क्योंकि इक्वेटर के आसपास वाला रीजन जो ट्रॉपिकल रीजन है वो काफ़ी टाइम से अनडिस्टर्ब्ड है। देन द ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स अनलाइक टेम्परेट्स दे आर लेस सीजनल, relatively more constant and predictable. अब जो temperate regions होते हैं उनका temperature जो है fluctuate करता रहता है ना, but tropical environment के अंदर कोई भी ऐसी fluctuation नहीं होती है, so उस वजह से भी उनका जो temperature है वो काफ़ी constant और predictable रहता है। तो constant environment it promotes the niche specialization, और वो क्या करता है, it leads to a greater species diversity, ये जो है एक ज़्यादा species diversity को बनाता है। More solar energy is available in the tropics which contributes to higher productivity. This in turn might contribute indirectly to greater diversity. अब tropics के अंदर जो है ज़्यादा sunlight होगी, ज़्यादा solar energy होगी, तो उससे क्या होती है, ज़्यादा productivity होगी plants के अंदर, तो वो भी एक reason है। तो कौन कौन से reason हमने देखे कि speciation वहाँ होता है जहाँ पे constant environment होता है जो undisturbed रहता है, जो कि tropics में था। Second, tropics का जो temperature है काफ़ी ज़्यादा constant और predictable रहता है, तो species उधर flourish कर सकती है। Third, more solar energy it is available at the tropics, जो कि higher productivity को contribute करता है। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, जब हम स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की बात करते हैं तो किससे दिया था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अ जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर, ही ऑब्जर्व दैट विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस इट इंक्रीज्ड विद द इंक्रीज्ड एक्सप्लोर एरिया बट अप टू अ लिमिट। उन्होंने बोला कि जितना एरिया हम एक्सप्लोर करेंगे उतनी ज़्यादा हमें स्पीशीज मिलेंगी। देखो, स्पीशीज रिचनेस को जब हमने एरिया के साथ प्लॉट किया तो स्पीशीज रिचनेस जो थी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, एक स्ट्रेट लाइन कर्व भी मिला हमें, ठीक है। So in fact the relation between the species richness and the area for a wide variety of taxa turn out to be rectangular hyperbola. जब हम इसका ये plot करते हैं, ये rectangular hyperbola आता है, ये rectangular hyperbola आता है। So on a logarithmic scale the relationship is a straight line, जो कि straight line किस में आ रहा है, जब हम log scale पे इसे plot कर रहे हैं, जब हम log scale पे plot कर रहे हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है, S हमारा क्या होता है, species richness, ऐसे हमारा स्पीशीज रिचनेस, ठीक है, ए क्या होता है हमारा एरिया, जेड स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, और सी क्या है हमारा, वाई इंटरसेप्ट। तो ये जो है हमारे सारे के सारे प्लॉट हो गए, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आता है जब हम स्पीशीज रिचनेस को एरिया के साथ प्लॉट करते हैं। सो द वैल्यू ऑफ जेड इट लाइज इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.2 रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सोनोमिक ग्रुप और द रीजन, एंड इफ वी एनालाइज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अमंग वेरी लार्ज एरियाज लाइक द एंटायर कॉन्टिनेंट्स, द स्लोप ऑफ द लाइन विल बी मच स्टीपर, द जेड वैल्यूज इन द रेंज ऑफ 0.6 to 1.2। जब हम लोग कॉन्टिनेंट्स के अंदर इसे प्लॉट करेंगे तो मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि एरिया अगर बढ़ रहा है तो स्पीशीज नंबर, स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ रही है। जितना एरिया हम एक्सप्लोर करेंगे उतना ज्यादा जो है हमें पता चलेगा उसके अंदर स्पीशीज है। सो एरिया इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीशीज रिचनेस। फॉर फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स द स्लोप इट इज फाउंड टू बी 1.15, ठीक है।
इम्पॉर्टेंस क्या होती है स्पीशीज डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द इकोलॉजिस्ट कम्युनिटीज विद मोर स्पीशीज दे टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दोज विद द लेस स्पीशीज. तो क्या है इसकी इम्पॉर्टेंस, इकोलॉजिस्ट ने बोला है कि जो जो जगह जो जो कम्युनिटीज है जिसके अंदर ज़्यादा स्पीशीज होंगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी राधा देन जिसके पास कम स्पीशीज होगी. सो देन द एट्रीब्यूट ऑफ अ स्टेबल कम्युनिटी, एक कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि स्टेबल कम्युनिटी के होते हैं, वो देख लेते हैं. इट शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर. सबसे पहला होता है कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए. हाँ 19-20 फर्क कर सकती है ना, प्लस माइनस 5 या प्लस माइनस 10 जो है वो हो सकता है, पर ज़्यादा वेरिएशन उनकी प्रोडक्टिविटी में नहीं होनी चाहिए वेन वी गो फ्रॉम वन ईयर टू द सेकेंड ईयर. सो इट मस्ट बी इधर रेजिस्टेंट और रेजिलियंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेज. उसको रेजिस्टेंट रहना पड़ेगा जो ओकेजनल डिस्टर्बेंसेज होती है, चाहे वो नेचुरली हो चाहे वो मैन मेड हो. मतलब एक कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट मेंटेन करना पड़ेगा, हम ये बोल सकते हैं कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट मेंटेन करना पड़ेगा. ठीक है, सो इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन्स बाय एलियन स्पीशीज. अगर कोई भी एलियन स्पीशीज एक्स वाई जेड इंट्रोड्यूस होती है तो उससे भी रेजिस्टेंट होना पड़ेगा. सो कौन कौन से तीन एट्रीब्यूट्स हैं हमारे स्टेबल कम्युनिटी के? सबसे पहले कोई वेरिएशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इन द प्रोडक्टिविटी फ्रॉम वन ईयर टू द नेक्स्ट ईयर. सेकेंड, रेजिस्टेंट या फिर रेजिलियंट होना पड़ेगा टू द ओकेजनल डिस्टर्बेंसेज विच मे बी नेचुरल और मैन मेड. और लास्टली जो भी अगर फॉरन स्पीशीज आती है तो उससे भी रेजिस्टेंट होना पड़ेगा. तो इससे क्या होगी, हमारी एक स्टेबल कम्युनिटी इस्टेब्लिश हो जाएगी. David Tillman's long-term experiment on ecosystem find out that the plots with more species showed less year-to-year variation in total biomass. तो David Tillman ने जब जो experiment perform किया, उन्होंने plot किया, उन्होंने देखा कि जितनी ज़्यादा species होंगी उतनी ज़्यादा जो है variation कम होगी from year to year. और उन्होंने ये भी देखा कि increased diversity जो है higher productivity को बढ़ावा देती है, कि अगर डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी तो प्रोडक्टिविटी अपने आप हायर हो जाएगी. इट इज़ नॉट क्लियर हाउ स्पीशीज रिचनेस इज कॉन्ट्रीब्यूट टू द वेलबींग ऑफ द इकोसिस्टम, बट इट इज़ इनफ टू रियलाइज दैट रिच बायोडाइवर्सिटी इज नॉट ओनली असेंशियल फॉर द इकोसिस्टम हेल्थ बट इम्पेरेटिव फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस ऑन दिस प्लैनेट. सिर्फ बायोडाइवर्सिटी ही असेंशियल नहीं होती है, ये भी हमें जो है जानना ज़रूरी है. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है कि जिससे हमारी जो कम्युनिटी है वो स्टेबल हो जाए, पर ये सारा का सारी चीज़ें जो है बायोडाइवर्सिटी नहीं देख सकती है. बट द इकोसिस्टम और द बायोडाइवर्सिटी इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस. हम लोग जो है एंटायरली इसी बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंडेंट है, हमारा सर्वाइवल इस बायोडाइवर्सिटी के साथ है. बायोडाइवर्सिटी जिस दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगी हम लोग भी नहीं कर पाएंगे. Paul Ehrlich through its rivet popper hypothesis tried to explain the importance of biodiversity for the survival of species. तो Paul Ehrlich ने एक rivet popper hypothesis दी थी जिसके अंदर उन्होंने दिखाया था कि biodiversity बहुत ज़्यादा ज़रूरी है for the survival of the species. So the hypothesis assumed that the ecosystem to be an airplane and the species to be the rivets joining all parts together. तो उन्होंने hypothesis के अंदर बताया कि ecosystem जो है हमारा airplane है और उसके अंदर जो rivets जो screws उसको जोड़ रहे हैं वो है हमारी biodiversity. So if every passenger pops a rivet to take home, it may not affect the flight safety, but with time as more and more rivets are removed, the plane becomes dangerously weak. अगर हम rivets थोड़े बहुत remove कर रहे हैं अपने self benefit के लिए तो at present तो वो कुछ खराब नहीं करेगा, पर धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा rivets जो है वो remove हो जाएंगे वो क्या करेगा, plane जो है वो dangerously weak हो जाएगा. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हम लोग बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो स्पीशीज़ है उनका एक्सटिंक्शन एक एक करके होता रहेगा तो क्या होगा, इकोसिस्टम फंक्शनिंग पे अफेक्ट करेगा और अल्टीमेटली क्या होगा, जो प्लेन है वो क्रैश कर जाएगा, जो इकोसिस्टम है वो पूरा का पूरा क्रैश कर जाएगा और हम लोग भी जो है मर जाएंगे, क्योंकि हम भी डिपेंडेंट रहते हैं बायोडाइवर्सिटी पे. बहुत इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस. द लॉस ऑफ रिवेट ऑन द विंग्स
Key species that derives major ecosystem function is a more serious threat to flight safety than loss of a few rivets on the seats or windows of the plane. जब हम rivets loss की बात करते हैं तो कुछ कुछ rivets ऐसे हैं जो wings पे होंगे, मतलब जो कि key species होंगी, एक area को जो define करती है, वो species जो एक area को define करती है, अगर उनके poppets निकल गए, उनके rivets जो है pop कर गए, उनके rivets अगर pop कर गए तो वो ज़्यादा drastic effect करेंगी rather than अगर हम लोग window seat वाली जगह के rivets को pop करें. Loss of biodiversity. So the loss of biodiversity, it is caused by the overpopulation, urbanization and industrialization. Major causes of loss of biodiversity यही है कि population जो है ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से urbanization हो रहा है, घर बन रहे हैं, पेड़ों को काट काट के, ecosystem को काट काट के, और industries भी ज़्यादा बन रही है, क्योंकि humans की requirement ज़्यादा है, क्योंकि overpopulation हो रही है, humans की requirement ज़्यादा है. The colonization of tropical Pacific island by the humans, they have led to the extinction of more than 2000 species of the native birds. Tropical Pacific islands ke andar humans ne jo inhabit kiya hai, wahan pe unhone colonize kiya hai, uski wajah se 2000 species jo thi birds ki wo extinct ho chuki hai. The IUCN red list of 2004, it documents the extinction of 784 species, jiske andar 384 vertebrates hai, 338 vertebrates है, 359 invertebrates है और 87 plants है. ये सारा का सारा हुआ है in the last 500 year. कितनी extinct हो चुकी है in the 500 years? 784 species, more than one species का approximately one species per year जो है extinct होती जा रही है. तो आप देख सकते हो कितनी ही तेजी से जो है species extinct हो रही है. So some latest example of recent extinctions, they are dodo, quagga, thylacine, Stella's sea cow and three subspecies Bali, Juan and Caspian of the tiger. Tiger तो हमें पता है कि बिल्कुल ही extinct होने की कगार पे है, है ना, बिल्कुल ही extinct होने की कगार पे. तो कितने जो है latest extinctions हुए है, dodo, quagga, thylacine, Stella's sea cow और tiger. So the last 20 years alone have witnessed the disappearance of 27 species. तो क्या हम बोल सकते हैं कि last 20 years के अंदर बहुत ही ज़्यादा overpopulation हुई, overpopulation की वजह से urbanization हुई, और overpopulation की वजह से ही क्या हुआ, industrialization हुई. To meet the demands of humans, industrialization हुई है, ठीक है. So presently 12% of the bird species, 23% of the mammal species and 32% of the amphibian species, 31% of the gymnosperm species in the world, they face the threat of extinction. मतलब आप देख सकते हो कि अगर 20 years के अंदर 27 species गई है तो आगे भी approximately 1.5 की average रहेगी, कि 1.5 species per year, या फिर किसी साल 2 हो गए, किसी साल 1 हो गया, तो 1.5 का एक average जो है species extinction का rate जो है हम लोग फॉलो कर रहे हैं. Careful analysis of records, they show that the amphibians, they appear to be more vulnerable to extinction. तो analysis में ये बताया गया है कि जो amphibians है, वो ज़्यादा prone होते हैं extinction के. So the grim scenario of extinction is the fact that more than 15,500 species worldwide, they are facing the threat of extinction. कितनी species extinct होने की कगार पे है? 15,500 species. रिजल्ट्स क्या है लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी के? सबसे पहला है डिक्लाइन इन दी प्लांट प्रोडक्शन, क्योंकि अगर हम लोग बायोडायवर्सिटी रिमूव कर रहे हैं, मतलब हम अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो अब ऑब्वियसली जो प्लांट्स है, जो ट्रीज है, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, सबको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. सो डिक्लाइन इन द प्लांट प्रोडक्शन. सेकेंड, लोअर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल perturbation such as the drought. अगर drought आएगा तो हमारे पास कुछ भी रोकने को नहीं है, हमारे पास resistance जो है उसका level बहुत ज़्यादा ही low हो गया है, क्योंकि हमारा जो loss है biodiversity का वो बहुत ज़्यादा हो चुका है. Increased variability in the certain ecosystem just such as the plant productivity पे effect आया है, water use पे, pest पे, disease cycles जो है बढ़ गई है. तो ये सारी की सारी क्या है, ये increased variability है in the ecosystem. Causes क्या है biodiversity loss के लिए? सबसे पहले
सबसे पहला जो क्लॉज है हमारा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. अब हम इन बायोडाइवर्सिटी लॉसेस को क्या बोलते हैं, ईविल क्वार्टेट. इन बायोडाइवर्सिटी के लॉसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ईविल क्वार्टेट. क्वार्टेट क्यों, क्योंकि ये फोर रीजंस है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, ईविल क्वार्टेट. सबसे पहला इसमें आया है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ह्यूमंस की ओवर पॉपुलेशन हो रही है तो उनको अपने घर बनाने के लिए बायोडाइवर्सिटी को कट डाउन करना पड़ता है, इकोसिस्टम्स को हटाना पड़ता है और वहां पे बिल्डिंग्स खड़ी करनी पड़ती है, जिसको हम लोग अर्बनाइजेशन बोलते हैं. और उन्हीं ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए इंडस्ट्रीज खड़ी की गई है फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन थिंग्स, तो उसे हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलेंगे. So, सबसे पहला हमारा यही है हैबिटेट लॉस. सो द मेन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट. जैसे कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जो कि 14% ऑफ द लैंड पहले कवर कर रहे थे, अब सिर्फ 6% ऑफ द लैंड कवर कर रहे हैं. तो जो 14% से 6% आया, तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि बीच में जो 8% गया है, उसमें जितने भी एनिमल्स थे, जितने भी प्लांट्स थे, उनका हैबिटेट लॉस हो गया. तो इसी से हमारा जो है हैबिटेट लॉस हो गया. सो अमेज़न रेन फॉरेस्ट कॉल द लंग्स ऑफ द प्लैनेट. अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमारे प्लैनेट की जो है लंग्स है. इट इज़ बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सोयाबीन्स एंड फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्रासलैंड्स फॉर रेजिंग बीफ कैटल. जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है उनको भी कट डाउन किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर उनको सोयाबीन उगाना है, क्योंकि ह्यूमंस जो है ओवर पॉपुलेट कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, और ग्रासलैंड्स बनाना है जिससे कि वो वहां पे बीफ कैटल को रेज कर पाए. When large habitats, they are broken up into small fragments due to various human activities, the mammals and the birds requiring large territories and certain animals with migratory habitats, they are badly affected. Fragmentation के अंदर क्या होता है कि एक पूरे बड़े लैंड को हम लोग तोड़ दें into pieces. तो क्या होगा कि जिस प्लांट, एनिमल या फिर बर्ड को वो बड़ा सा लैंड चाहिए होगा अपने हैबिटेट पे, जब उसे छोटा लैंड मिलेगा उसके लिए तो वो हैबिटेट लॉस ही हो गया. तो ये क्या होगा, ये फ्रेगमेंटेशन होगा और इसी वजह से इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी. द डिग्रेडेशन ऑफ मेनी हैबिटेट्स बाय पॉल्यूशन ऑल्सो थ्रेटन्स द सर्वाइवल ऑफ मेनी स्पीशीज. मेनी स्पीशीज दे हैव एक्सटिंक्टेड इन द लास्ट 500 ईयर्स. पॉपुलेशन की, पॉल्यूशन की वजह से भी बहुत ज्यादा स्पीशीज जो है मर रही है. नेक्स्ट हमारा कॉज आता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन. ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज बाय द ह्यूमंस, इट रिजल्ट्स इन द डिग्रेडेशन एंड एक्सटिंक्शन ऑफ द रिसोर्सेज. हम बहुत ही ज्यादा जो है ओवर यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का, उसकी वजह से भी डिग्रेडेशन और एक्सटिंक्शन हो रहे हैं रिसोर्सेज की. जैसे कि जो स्टेलस सी काउ है, पैसेंजर पिजन है एंड मेनी मरीन फिशेस, दे हैव एक्सटिंक्टेड इन द लास्ट 500 ईयर्स. जब ह्यूमंस किसी भी चीज को ओवर यूज करने लग जाते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो चीज डिग्रेड हो जाती है और एक्सटिंक्ट हो जाती है. नेक्स्ट कॉज है इसका थर्ड कॉज, एलियन या फिर एग्जॉटिक स्पीशीज इन्वेजन. एलियन एग्जॉटिक स्पीशीज, दे आर इंट्रोड्यूस्ड अनइंटेंशनली और डेलिब्रेटली. सम बिकम इन्वेजिव एंड कॉज हार्मफुल इम्पैक्ट रिजल्टिंग इन द इन एक्सटिंक्शन ऑफ द इंडिजीनियस स्पीशीज. फॉर एग्जाम्पल, नाइल पर्च जो है, इट इज अ लार्ज प्रिडेटर फिश. वेन इंट्रोड्यूस इन द लेक विक्टोरिया, इट कॉज द एक्सटिंक्शन ऑफ द इकोलॉजिकली यूनिक स्पीशीज किकलिड फिश इन द लेक. एलियन एग्जॉटिक स्पीशीज क्या होती है, वो बेसिकली इन्वेजिव स्पीशीज होती है जो कि अनइंटेंशनली या तो आ जाती है या फिर उन्हें डेलिबरेटली डाला जाता है कि वो उस स्पीशी को मार दे जो कि हार्म कर रही है. पर अल्टीमेटली क्या होता है, जो एग्जॉटिक एलियन स्पीशी होती है वो क्या करती है, वो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को खराब कर देती है, वहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसे मार देती है. जैसे कि नाइल पर्च, जो कि बहुत बड़ी प्रिडेटर फिश है, उसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था लेक विक्टोरिया के अंदर और उसने क्या किया, जो वहाँ पे यूनिक स्पीशी थी फिश की, किकलिड फिश, उसको एक्सटिंक्ट कर दिया. इन्वेजिव वीट स्पीशीज लाइक द पार्थेनियम, लैंटाना एंड इकॉर्निया, उन्होंने भी जो है एनवायरमेंटल डैमेज किया था और नेटिव स्पीशीज को थ्रेट पोज करती है. सो द रीसेंट एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश, जो कि एक्वाकल्चर के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी उसके पर्पज के लिए, एक्वाकल्चर के लिए. वो क्या करती है, इंडिजिनस कैटफिशेस को एक थ्रेट है, इंडिजिनस कैटफिशेस को एक थ्रेट है. लास्ट इसका कॉज है को एक्सटिंक्शन. सो व्हेन अ स्पीशी बिकम एक्सटिंक्ट, जो प्लांट और एनिमल स्पीशीज उसके साथ जुड़े हुए थे वो भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ द होस्ट स्पीशी बिकम एक्सटिंक्ट, ऑल दोज पैरासाइट एक्सक्लूसिवली फाउंडेड ऑन इट विल ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट. अगर
एक होस्ट स्पीशी जो है एक्सटिंक्ट हो रही है, तो जो भी पैरासाइट्स उस पर डिपेंडेंट है वो भी अल्टीमेटली एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. सो इफ द प्लांट इन प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म एक्सटिंक्शन ऑफ वन इट रिजल्ट्स इन द एक्सटिंक्शन ऑफ द अदर. सो बच्चों हम एक बार देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है. सबसे पहले हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, फिर ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है, फिर हमने देखा कि पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कौन कौन से होते हैं, लैटिट्यूडनल हो गया, देन स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप हो गया, फिर हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या क्या होती है, फिर हमने देखा कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, उसके कॉजेस क्या क्या होते हैं, उसके कॉजेस क्या क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, इविल क्वार्टेट होते हैं, चार कॉजेस होते हैं. तो बच्चों ये था हमारा आज बायोडाइवर्सिटी के बारे में. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसी बायोडाइवर्सिटी के कुछ कंजर्वेशन मेजर्स को पढ़ेंगे और लास्टली जो है हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को भी कर देंगे कंप्लीट. तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय.